हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीनु लाएक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा और यूजफुल वीडियो ले वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है गर्ल्स के लिए जो पार्लर नहीं जाना चाहती हैं और उनके पास कर्लर है, बट वो अपने बालों को मतलब बहुत टाइम तक, पूरे एक दिन तक कैसे स्टे करे। तो ये वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, और मैं उसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ उस प्रोडक्ट को। वो प्रोडक्ट आपने मोस्टली पार्लर्स में भी देखा होगा, पार्लर वाली आंटीज होती हैं वो उस वाले प्रोडक्ट को बहुत यूज करती हैं। तो चलिए दिखा देती हूँ, वो प्रोडक्ट है ये। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आगे आपको देखने पर अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है, और आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नोवा का ये हेयर स्प्रे, जिसकी हेल्प से मैंने इतने अच्छे और टाइट कर्ल किए हैं। ये कर्ल आपके बालों में दो दिन तक टिकते हैं, जब तक आप अपने बालों को वॉश नहीं करेंगे ये कर्ल आपके बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले हैं। और बिल्कुल कंजूसी से इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है, अच्छे से इसको यूज करना है, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि हम इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, इस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आपको अपने लोकल मार्केट में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। नोवा एक ऐसी ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट हर शहर में आपको अपने अपने जहां पर भी आप रहते हैं ये सारे लोकल मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये है 420 ml की क्वांटिटी में है, और ये मेरा फुल साइज का है। एक और आता है इसमें छोटा साइज भी आता है, तो ये मुझको मिला है 200 rupees का, और इसका जो छोटा वाला आता है तो शायद 150 होगा या 130, आई डोंट नो। मैंने इसे लोकल मार्केट से लिया है 200 rupees का। ऑनलाइन साइट पर ये होगा तो मैं आपको लिंक जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। इसका ब्लैक कलर का लिड होता है और डबल लिड के साथ आता है, ट्रेवल फ्रेंडली, आप इसके साथ आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। स्प्रे क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी, पूरा गोल्डन कलर का है। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और मैंने इसी के साथ अपने बालों को कर्ल किया है तो फुल वीडियो है कैसे इसको यूज करना है, कितनी दूर यूज करना है। और ये जो कर्ल्स है ना, अगर आप इस स्प्रे को यूज कर लेंगे ना तो आप पार्लर जाना तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास एक कर्लर है, और कर्लर से क्या होता है आपके बाल ज्यादा से ज्यादा 1-1.5-2 घंटे स्टे करते हैं, उसके बाद पूरे खुलने लगते हैं। बट अगर आप ये हेयर स्प्रे यूज करोगे नोवा ब्रांड का, और आप जब तक अपने बालों को वॉश नहीं करोगे 2 दिन तक आपके बाल ऐसे ही रहेंगे, जब तक ये बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं। आप देख रहे हो मैं इतने से खींच भी रही हूँ तो भी अपनी जगह पर आ गए, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से यूज करा है। तो आपको उसको बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आई मस्ट से, और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको इसकी पैकेजिंग मिल जाएगी। बढ़िया प्रोडक्ट है, आप इसे ज़रूर बाय कर सकते हो, और वीडियो को आगे देख लीजिए मैंने इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया और अपने बालों में कर्लिंग कैसे की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप हेयर स्प्रे को कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आपको कर्लिंग करनी आनी चाहिए, तो अगर आपको कर्लिंग करनी नहीं आती है तो इसका एक सेपरेट वीडियो है, तो आप मेरे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। देन आप उसके बाद यहाँ देखिए आपको कर्ल कैसे करने हैं और हेयर स्प्रे कैसे यूज़ करना है। तो इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कर्ल कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ यूज़ करी हूँ वेगा का कर्लर। तो आपको इस तरह से 2 पार्टीशन में अपने बालों को डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद छोटे छोटे से सेक्शन लेने हैं, जैसे भी आप करना चाहते हो उस तरह से आप अपने बालों को ले सकते हो। थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए वेट करना है ताकि कर्ल अच्छे से स्टे कर जाए, और थोड़ा सा उसको टच करके देखना है कि ये अच्छे से होल्ड हो रहा है। देन उसके बाद स्लोली स्लोली हमें कर्लर को नीचे की साइड से ड्रैग करना है, और इस तरह से अपने कर्ल्स को, और देन उसके बाद आपको पूरे हाथों से इस कर्ल को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना है, और उसके बाद आपको हेयर स्प्रे लेना है और उसमें उस हेयर स्प्रे को उसी एरिया पर स्प्रे करना है जहां आपने कर्ल किया है। आपको पूरे बालों में करने की नीड नहीं है, आप इसे इसी तरह से स्प्रे कर सकते हो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ।
तो आप ये देखिए, ये कर्ल आपका बिल्कुल अच्छे से होल्ड हो गया है और बिल्कुल भी ये खुलने वाला नहीं है। और आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने ये कर्लिंग रॉड पर ही आपको स्प्रे यूज़ नहीं करना है, तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कर्लर है वो ख़राब भी हो जाएगा उस स्प्रे से, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसे खोलने के बाद ही, हाथ में जब आप इसको, ये जो कर्ल बनाया हुआ है इसको हाथ से अच्छे से टाइटली हम इसको प्रेस करेंगे, देन उसके बाद इस स्प्रे को यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही आपको करना है और पास में ले जाकर आपको इस कर्लर, इस स्प्रे को यूज़ करना है अगेन एंड अगेन। तो आपके कर्ल्स ये 1 से 2 दिन तक अच्छे से इसी तरह से टिके रहेंगे। आप इस स्प्रे को किसी भी हेयर स्टाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये एक हेयर स्प्रे है जो आप अपनी अच्छे से स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर से यूज़फुल होने वाला है, आपकी वैनिटी में ये प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसका छोटा वाला आता है, आप वो ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको हेयर स्टाइलिंग करने के शौकीन है तो आपको इस तरह का हेयर स्प्रे ज़रूर खरीदना चाहिए। आपकी वैनिटी में ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है। तो आपने देखा मैंने वीडियो में इसे किस तरह से यूज़ किया, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा इस प्रोडक्ट के लिए। मैं इस प्रोडक्ट को बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इस प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ।